नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोया चंक्स करी की रेसिपी। यह करी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 250 ग्राम सोया चंक्स। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 ग्लास पानी। अगर आपको सोया चंक्स को जल्दी फुलाना हो तो ठंडे पानी की जगह गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सादा पानी ले रही हूँ 2 ग्लास, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह छोड़ देंगे। तो 25 मिनट बाद देख सकते हैं सोया जो है सारा जो पानी है पी चुका है। अब हम इस पानी को इस तरह से निचोड़ के निकाल लेंगे। तो ये फेना देखिए, ये बहुत ही अच्छे से हमें निकाल के लेना है। और उसके बाद में फिर से हमें साफ पानी से सोया चंक्स को धुल के लेना है। चलिए फ्रेंड्स, इसे फिर से अच्छे से निचोड़ लेते हैं। तो जो इसका फेना था अच्छे से निकल चुका है। तो यहाँ पे सारा सोया चंक्स जो है मैंने निचोड़ के ले लिया है। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 3 से 4 हरी मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 बड़ा प्याज और 1 बड़ा टमाटर। इन सारी चीज़ों को हम मिक्सर जार में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मिक्सर जार में डाल देते हैं लहसुन की कलियों को, हरी मिर्च, अदरक, 1 बड़ा प्याज और 1 बड़ा टमाटर। इन सारी चीज़ों का हमें पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई जो है गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल और इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। और उसके बाद में सोया चंक्स को हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से लाल होने तक हम इसे पका लेना है। तो देखिए, सोया चंक्स जो है अच्छे से लाल हो चुके हैं। मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। इस तरह से फ्राई करके सोया चंक्स की सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हमारे सोया चंक्स फ्राई हो चुके हैं। अब इसी कढ़ाई में डाल लेंगे थोड़ा सा तेल, और तेल अच्छे से गर्म होने के बाद में हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 से 2 तेज पत्ता। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है तेल में। अब हम इसमें डालेंगे 1 लंबा कटा हुआ प्याज और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 लंबी कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे इसमें। प्याज को हमें अच्छे से लाल होने तक पका के लेना है। तो देखिए, प्याज जो है अच्छे से लाल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे तैयार किया हुआ पेस्ट। मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डालकर जो मसाला लगा हुआ है उसमें, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे कुछ सूखे मसाले ताकि सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाए एक साथ। तो यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे मैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा कलर जो है सब्जी में आएगा। और 1 छोटा चम्मच डाल दिया है हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच डाल देंगे मीट मसाला। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तब तक मसाले को भूनना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे। तो यहाँ पे मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ ताकि जो मसाला है अच्छे से पक जाए। और बीच बीच में इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग सकता है और हमारी सब्जी खराब हो जाएगी फिर। तभी ये मसाले ने तेल नहीं छोड़ा है, 2 मिनट के लिए और ढक देते हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाले ने अपना तेल जो है छोड़ दिया है। इसका मतलब बहुत ही अच्छा मसाला भून के हमारा तैयार हो गया है। इसी वक्त हम इसमें डाल देंगे लंबे कटे हुए आलू और 1 कटोरी हरे मटर। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 मिनट तक भूनते रहना है।
जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतना अच्छा जो सब्जी है बनकर तैयार होगा। तो मसाला भुन जाने के बाद में हम इसमें डाल देंगे लगभग 1.5 गिलास पानी और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक। नमक डाल के एक बार और मिक्स कर लेना है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं सब्जी को। तो हमारी जो सब्जी है पक चुकी है, आलू जो है अच्छे से पक चुका है। ये देखिए आलू और मटर अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ सोया चंक्स और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों के साथ। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि जो सोया चंक्स है सारे मसाले जो हैं उसके अंदर अच्छे से मिल जाएं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, सोया चंक्स से सारा जो मसाला है अच्छे से पी लिया है। अब बहुत ही टेस्टी सब्जी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट कर बताना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स सोया चंक्स रेसिपी तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो आप भी इंजॉय कीजिए इस रेसिपी को चावल पराठा या पूड़ी के साथ।